जी ना। अच्छा, सी ए सिक्सटी के अंदर एक डेल्टा कनेक्टेड सोर्स है और वाई कनेक्टेड लोड है। अच्छा, हमने क्या किया है, हमने ये किया कि इस सोर्स को चेंज कर दिया। सोर्स जो कि डेल्टा कनेक्टेड था, अब ये देख रहे हैं जब ये कनेक्टेड है तो ये न्यूट्रल नहीं कनेक्टेड इसके साथ, तो इसको को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। हम लोड को भी डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते थे। हमने पर फेज कैलकुलेशन को इजियर बनाने के लिए इस सोर्स को वाई में कन्वर्ट कर दिया। चले, सोर्स को वाई में कन्वर्ट कर लिया, तो ये हमारे पास नया सोर्स, ये नया नई डायग्राम ये बन गई। अब ये सोर्स डेल्टा कनेक्टेड से वाई कनेक्टेड सोर्स बन गया। तो ये हमने अपनी आसानी के लिए किया इनफैक्ट, ताकि हम पर फेज कैलकुलेशंस कर सकें। इसी तरह सर, आपने जो PDF-61 है उसमें हाँ, भी एक और ऐसी है, लेकिन आपने उसे KVL से सॉल्व किया है, ऐसा क्यों? उसे भी तो इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, मैं उधर जाता हूँ तो बताता हूँ, पहले इसको ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। मैं उधर 62 में 61 में जाता हूँ तो मैं बता देता हूँ। ये मैंने इसलिए किया कि इसको पर फेस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम चाहें तो इसको डेल्टा कनेक्टेड में कन्वर्ट, लोड को डेल्टा में कनेक्ट कर लेते और फिर भी कुछ कैलकुलेशंस कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ये कैलकुलेशन ज़्यादा आसान है, पर फेस कैलकुलेशन ज़्यादा आसान है इन केस ऑफ वाई कनेक्टेड सिस्टम। उसकी रीज़न ये है कि आपको पता है कि हम सिर्फ एक फेज, ये वाला फेज पिक कर लेते हैं और फिर इसके साथ ही हम कैलकुलेशंस करते हैं, और बाकी कैलकुलेशंस बाय सिमेट्री हमें पता है कि 120 और 240 डिग्रीज लैगिंग होंगे, बाकी वोल्टेजेस या करंट्स मैग्नीट्यूड सेम हो। अच्छा, ये हमने इसकी पर फेज रिप्रेजेंटेशन बना ली, वी ए एन, और ये लाइन पैरामीटर्स हैं और ये लोड है। तो आपने वी ए बी लाइन वोल्टेज फाइंड करना है। देखेंगे जो हमने पर फेज रिप्रेजेंटेशन बनाई है, ये हमें फेज वोल्टेज दे, वी ए एन दे, ये वाला वोल्टेज वी ए एन। लेकिन हमने वी ए बी फाइंड करना है जो कि लाइन वोल्टेज है। हमें पता है कि लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से लाइन वोल्टेज बनाना आसान है, वंस हम वी ए एन फाइंड कर लें तो वी ए बी फाइंड करना मुश्किल नहीं। सिस्टर एडमिट है, मैंने हॉस्पिटल जाना है। ए एन फाइंड कर लें तो वी ए बी फाइंड करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वी ए एन लाइन फेस वोल्टेज है, वी ए एन फेस वोल्टेज है, और जो वी बी एन वी ए बी होगा, और जो वी ए बी होगा वो फेज वोल्टेज होगा। हम वी ए एन लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 30 एंगल में 30 डिग्री से ऐड कर, तो वी ए एन पता लग जाए तो वी ए बी फाइंड करना कोई प्रॉब्लम। वी ए एन फाइंड करते हैं, देखते हैं वी ए एन कितना है। अच्छा, वी ए एन फाइंड करने के लिए वंस अगेन हमें पता ही है, हमने पर फेज रिप्रेजेंटेशन बना लिया है। इसमें एक करंट है क्योंकि ये सिंगल सिंगल लूप सर्किट है, इसमें एक करंट होगा, वो सब में से वही करंट फ्लो कर रहा होगा, उसका नाम आई सब ए रख लेते हैं। यूजिंग ओहम्स लॉ हम फाइंड कर लेते हैं, थोड़ी सी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ डील करना पड़ता है, लेकिन फाइनली हम आई ए फाइंड कर लेते हैं। ये गलती सर, क्या आवाज आया? नहीं आ रही आपकी। अच्छा, आई ए फाइंड कर लेते हैं, आई ए आई ए जो होता है वो जी। अब आवाज आ रही है? जी, अब आवाज आ रही है? हाँ जी सर, पहले भी आई थी। पहले भी आ रही थी, अब आ रही है? हाँ जी, अच्छा जी, तो ये वोल्ट नहीं है बल्कि ये एम्पेयर्स है, ये वोल्ट्स नहीं है एम्पेयर्स है। आई ए, वंस आई ए फाइंड कर लिया तो वी ए एन फाइंड करना कोई इशू नहीं है। आई ए को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं
इस इम्पिडेंस 12 प्लस जे 4 के साथ, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो वी ए एन बन गया, और वंस वी ए एन पता लग गया तो वी ए एन चूँकि एक फेज वोल्टेज है, इससे वी ए बी लाइन वोल्टेज फाइंड करना कोई इशू नहीं है। हम इसके मैग्नीट्यूड को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और एंगल में 30 ऐड कर देते हैं क्योंकि हम फेज से लाइन की तरफ जा रहे हैं, 30 ऐड करते हैं। अगर लाइन से फेज की तरफ जा रहे हो तो 30 सबट्रैक्ट करते हैं, ये आपको पता है। मैंने कहा था होमवर्क फिर दिया था कि नोइंग दैट इट इज़ अ बैलेंस थ्री फेज सिस्टम वी बी एन बी सी एन फाइंड करते हैं। वी बी एन कोई डिफरेंट वोल्टेज नहीं होगा वी ए ए एन से, ये वी ए एन है तो वी बी एन भी यही होगा एक्सेप्ट ये कि ये माइनस 30 और इसके बाद एक माइनस 120 हो जाएगा, और वी सी एन का मैग्नीट्यूड भी यही होगा लेकिन माइनस 240 हो जाएगा, ठीक है। और वी बी सी और वी सी ए मैंने फाइंड करने के लिए कहा, वी बी सी और वी सी ए वी ए बी से बिल्कुल डिफरेंट नहीं होंगे, मैग्नीट्यूड एक्जैक्टली सेम होगा, एंगल में से एक माइनस 120 कर देंगे जब वी वी सी फाइंड करेंगे, और जब वी सी ए फाइंड करेंगे तो एंगल में से 240 सेप्टर। ये होमवर्क भी आसान ही था। और कोई क्वेश्चन